आज के इस वीडियो में आप तुमको बताने वाली हूँ डिजी स्किल बैच टैंड क्रिएटिव राइटिंग क्वेस्ट टू के आंसर्स के आंसर्स बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी आंसर्स बता रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है अगर आप मेरी चॉइस से इतफाक नहीं करते तो आप कि इन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं तो चलिए अपने कोस को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर कर आपको इन सारी क्वेश्चन के आंसर्स बताती हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एरर्स इन ग्रामर मेक योर वर्क लुक डैश लेबल पूछता है कि एरर्स अगर जो है आपके वर्क के अंदर हो तो वो क्या लुक देते हैं तो वो हमारे वर्क को लेस क्रेडिटेबल बनाते हैं हर क्वेश्चन के बाद आपको सेवन मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसर्च इज नॉट ट्रू आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो रिसर्च से रिलेटेड ठीक नहीं है ऑथेंटिकेट ऑफ फैक्ट इज वेरीफाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड अ माइंड मैप कैन बी कंपोज वन गेट टू नो अबाउट अदर राइटर वर्क ऑन द सब्जेक्ट तो आपको बताना है कि क्या चीज़ इसमें स्टेटमेंट ठीक नहीं है रिसर्च से रिलेटेड तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आ, आपके पास जो है अ माइंड मैप कैन बी कंपोज वाला ऑप्शन यहाँ पर आ, ठीक नहीं होगा क्यों क्योंकि हम आ, सारे के सारे फैक्ट्स को देखते हैं रिसर्च के अंदर हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि दूसरे तरीके का राइटर किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसे भी जमा करते हैं क्वेश्चन तो नंबर थ्री रहने वाला है यहाँ पर हमारे पास डीटा मीन्स आपको बताना है कि डीटा का क्या मतलब होता है स्टॉप मेक एमेंट्स हाईलाइट और इग्नोर तो इन चारों की ऑप्शन के अंदर से आपने बताना है कि डीटा का मीन क्या होता है यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास स्टॉप क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास यहां पर विच ऑफ द गिविन ऑप्शन इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट ब्लॉग्स कम्पायल रिटर्न पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट्रीज आपको बताना है कि इन गिवन ऑप्शन के अंदर से मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है क्या वो इंटरनेट होती हैं या फिर वो ब्लॉग्स होते हैं या फिर वो कंपाइल रिटर्न पब्लिकेशन होती हैं या फिर डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंटरनेट क्योंकि इंटरनेट नेट के ऊपर सारी की सारी चीजें अवेलेबल होती हैं क्वेश्चन फाइव है हमारे पास ग्रामर चेक इन द एडिट फेज मस्ट रिलेटेड टू डैश चेक ओनली ग्रामर मिस्टेक यूज ऑफ कंसाइज एंड एक्यूरेट ग्रामर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्पेल चेक फाउंड आपको बताना है कि जब आप ग्रामर को चेक आउट करते हैं किसी भी एडिटिंग फेज के अंदर तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए आपको कंसाइज करना चाहिए और एक्यूरेट ग्रामर को देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो आंसर जो है यहाँ पर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आगे के आंसर बताने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है मेक श्योर कीजिए कि इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथ ही साथ अगर आपने अब तक क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज वन का सलूशन कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी आपको मेरे चैनल से बसानी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स रहने वाला है हमारे पास इन कॉमन राइटिंग प्रैक्टिस कस में फॉलो द डैश कॉमन राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर चीज को फॉलो करना होता है सीक्वेंस इफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और, और फिर रिएक्शन तो जब हम किसी भी चीज को जो है कि कहते हैं प्रैक्टिस में लिख रहे होते हैं या प्रैक्टिस में राइट अप कर रहे होते हैं तो हमेशा हमें सीक्वेंस का ख्याल रखना चाहिए क्वेश्चन से नंबर सेवन रहेगा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से मिस आउट हो गया है तो क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं यू कैन नॉट यूज़ टेक्निकल टर्म एंड डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज वाइल राइटिंग एन आर्टिकल फॉर आपको बताना है कि जब आप जो है कि कहते हैं आर्टिकल को लिख रहे होते हैं तो आपको कौन सी टर्म एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करना थीसिस रिपोर्ट साइंटिफिक आर्टिकल मेडिकल प्रटेशन या फिर लेमैन यू कैन नॉट यूज टेक्निकल ट्रम जब हम टेक्निकल ट्रम रख रहे होते हैं तो हम थीसिस में यूज करते हैं साइंटिफिक आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं और मेडिसिन के अंदर भी हम रिलेटेड टू टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को ऐड करते हैं तो उस हिसाब करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर लेमैन कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं एज कंपेयर टू द क्रिएटिव राइटिंग क्राइटेरिया फॉर एडिटिंग इंक्लूड करेक्ट ग्रामर डैश एंड टोन चेक वर्ड चेक फॉन्ट चेक राइटिंग ऑन फॉन्ट स्टाइल तो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया फॉर एडिटिंग इंक्लूड करेक्ट ग्रामर जब आप ग्रामर या टोन को चेक करते हैं तो इसके अलावा आपको जो है क्या चीज़ चेक करनी चाहिए तो आपको हमेशा वर्ड चॉइसेस को चेक करना चाहिए कि वो भी ठीक हो और साथ ही साथ उनका टोन भी ठीक हो क्योंकि राइटिंग फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास बित्वी सिद्वा इज फेमस डैश राइटर तो ये जो है एक अदद पाकिस्तानी राइटर है हमारे पास ये था हमारा आज का कोइल्स नंबर टू क्रिएटिव राइटिंग का मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कोईल्स पसंद आया होगा आखिर में मेरी आपसे तो की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए डिजिस से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन के सोलूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि उसे भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त